सेमी कंडक्टर्स क्या है? दो तरह के मटेरियल्स हमने पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी में, एक वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से इजीली पास होने देते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन है? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और कुछ ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देंगे, सल्फर, फास्फोरस या जितनी भी गैसेस हैं, ये सब नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इनके बीच में 14 ग्रुप पड़ता है, जहां मेटल खत्म होकर उस 14 के बाद में नॉन मेटल शुरू हो जाते हैं 15 ग्रुप से। 14 ग्रुप में सबसे ऊपर का एलिमेंट कार्बन, कार्बन ग्रुप कहलाता है ये 14 ग्रुप। कार्बन नॉन कंडक्टर भी है और गुड कंडक्टर भी है, डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म में इसको यूज कर रहे हैं। कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में गुड कंडक्टर है, लेकिन डायमंड के फॉर्म में, डायमंड एलोट्रॉप है इसका कार्बन का, वो बिल्कुल परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है। और कार्बन के नीचे तीन एलिमेंट हैं, सिलिकन, जर्मेनियम और कार्बन के नीचे सिलिकन, जर्मेनियम, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल बैड कंडक्टर तो नहीं है, परफेक्टली नॉन कंडक्टर तो नहीं है, और मेटल्स की तरह कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, इनकी तरह गुड कंडक्टर भी नहीं है, सिलिकन और जर्मेनियम। और साथ ही साथ एक एलिमेंट और है जो अगले ग्रुप का है, गैलियम। गैलियम फास्फोरस के नीचे वाला, फास्फोरस के नीचे है शायद, कहीं और है हुँ? एनीवे तीन एलिमेंट है पीरियडिक टेबल में, सिलिकन, जर्मेनियम और गैलियम, जो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी के बहुत हल्के से कंडक्टर है। ना तो ये बिल्कुल परफेक्टली इंसुलेटर है और ना ही ये मेटल्स की तरह गुड कंडक्टर है। इन तीनों एलिमेंट्स को हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, लिख लेते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स लिखते हैं, एलिमेंट्स विच हैज, एलिमेंट्स विच हैज कंडक्टिविटी लार्जर देन इंसुलेटर, एलिमेंट्स विच हैज कंडक्टिविटी लार्जर देन इंसुलेटर्स। सेमी कंडक्टर्स आर द एलिमेंट विच हैज कंडक्टिविटी लार्जर देन इंसुलेटर एंड मच लेस देन दैट ऑफ गुड कंडक्टर्स, एंड मच लेस देन दैट ऑफ गुड कंडक्टर्स। इन 14 ग्रुप सिलिकन एंड जर्मेनियम, इन 14 ग्रुप सिलिकन Si एंड जर्मेनियम Ge। आर सेमी कंडक्टर। इन 15 ग्रुप गैलियम Ga, गैलियम Ga इज सेमी कंडक्टर। 14 ग्रुप में तो हो गया सिलिकन और जर्मेनियम, 15 ग्रुप में हो गया गैलियम Ga। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्या 13 ग्रुप ले लिए, Ga इन 13 ग्रुप। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दे आर परफेक्टली नॉन कंडक्टर्स। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दे आर परफेक्टली नॉन कंडक्टर। ठीक है, और अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इस लेसन को, पूरे लेसन को समझने के लिए ये कंसेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। डराने वाली बात नहीं, समझाने वाली बात, कि ये कंसेप्ट अगर आपने मिस कर दिया तो पूरा लेसन मिस हो जाएगा, पूरा का पूरा यूनिट, पूरा चैप्टर ही मिस हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए क्या है।
हेडिंग डालते हैं हम एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब क्या है एनर्जी बैंड थ्योरी? एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या है, देखते हैं, इसे समझते हैं। इससे पहले हमने एनर्जी लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे, एनर्जी लेवल्स कैसे, हमने हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल कैसे ड्रॉ किया था, हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल एन इक्वल्स वन ड्रॉ किया था यहां, जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में हो एन इक्वल्स टू में, तो उसकी एनर्जी हो जाती थी कितनी, -3 पॉइंट समथिंग थी वो क्या था। और अगर एन इज इक्वल टू थ्री में हो तो कुछ एनर्जी लेवल और डिफरेंट हो जाता था, कितना होता था, 1.51 समथिंग था, ये 3.4 समथिंग था। ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये एनर्जी लेवल्स किसके एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल। जब आपका इलेक्ट्रॉन एन इक्वल्स वन में है तो हम इन लेवल्स को नहीं बनाएंगे और क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन एटम अपने कहां है, ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है तब कहा जाएगा कि हाइड्रोजन एटम कहां है, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम है, करेक्ट। अब हम यहां एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, सिलिकन, सिलिकन सिलिकन का एटमिक नंबर है कितना, 14। सिलिकन का एटॉमिक नंबर 14 है, Si 14 है सिलिकन का एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। 2 है ना, 4 6, हाँ 14 हो गए। अब ये जो एक्चुअली ये आपने लिखा हुआ है sp वगैरह, ये सब क्या है, ये एनर्जी लेवल्स है, ये एनर्जी लेवल्स है ना। ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट पर है जब सिलिकॉन एटम, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के s ऑर्बिटल में, 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के p ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के s ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के पी ऑर्बिटल में है। यही तो बात है ना इसकी। और याद कीजिए कि इसका स्ट्रक्चर जब आप कभी बनाते हैं तो क्या इसको लिखते हैं 1s और यहां बना देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, आधा एरो ऊपर आधा एरो नीचे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में और दोनों के स्पिन एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद आप क्या बनाते हैं, देखो, उसके बाद आप ऐसे बनाते हैं, ये है आपका 2s ऑर्बिटल और ये आपने इलेक्ट्रॉन बना दिए। उसके बाद आप क्या बनाते हैं, थोड़ा सा आधा ऊपर आधा नीचे क्या बनाते हैं, ये 2p ऑर्बिटल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पूरी करते हैं, पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पूरी हुई, फिर इसके ऊपर यहां बनाते हैं क्या 3s। ये सीढ़ीदार से क्यों बनाए जाते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि s1s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी सबसे कम है, मोस्ट निगेटिव है, 2s में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी थोड़ी और ज्यादा है, 2p वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थोड़ी सी 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स से थोड़ी ज्यादा है, उससे फिर ज्यादा है किसकी, 3s वालों की और 3p वालों की, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में जब हम हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट कहते हैं तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन कहां है, फर्स्ट शेल में है, 1s ऑर्बिटल में है, 1s ऑर्बिटल में है, एकमात्र इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब आप सिलिकन का ग्राउंड स्टेट कहते हैं, सिलिकन के ग्राउंड स्टेट में 14 इलेक्ट्रॉन अपने अपने 14 इलेक्ट्रॉन में से 2 1s ऑर्बिटल में, 2 2s ऑर्बिटल में, 6 2p ऑर्बिटल में और फिर 2 3s ऑर्बिटल में और 2 3p ऑर्बिटल में है, करेक्ट।
अब अगर इसका हम ग्राउंड लेवल पर एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करें तो कैसा डायग्राम ड्रॉ होगा? सिलिकन का एनर्जी डायग्राम ग्राउंड स्टेट में, जब ग्राउंड स्टेट में है सिलिकन तो एनर्जी डायग्राम, Si14 का एनर्जी डायग्राम, एनर्जी लेवल्स कैसे हम ड्रॉ करेंगे? ये आपका n इक्वल्स 1 हो गया, या n इक्वल्स 1 भी नहीं, अब हम इसे क्या लिखेंगे, अब हम इसे लिखेंगे 1s, है ना? ऑर्बिट का तो हिसाब ही नहीं रहा, तो ऑर्बिटल्स बन गए सारे, और इस 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, करेक्ट। उसके बाद आता है आपका कौन सा, 2s लेवल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसी के पास में है कौन सा, 2p लेवल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हालांकि इनकी भी एनर्जी थोड़ी बहुत डिफरेंशिएट होती है, लेकिन उसको हम एक ही लेवल पर बना रहे हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कहां, 3s ऑर्बिटल में, और फिर उसी के पास में 3p ऑर्बिटल, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 लाइन बन रही है सिलिकन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट में ही, ग्राउंड स्टेट में ही 5 लाइन आ गई, जबकि ये सिलिकन एटम के लिए, अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट बनाओ तो एकमात्र लाइन आके रह जाएगी, किसके लिए, 1s1 के लिए, ये हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन में है केवल एक इलेक्ट्रॉन, बाकी सारे ऑर्बिटल ऊपर के खाली पड़े, हमने बनाया नहीं उनको। सिलिकन में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें से सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 1s में, फिर कहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में, फिर कहाँ है 6 इलेक्ट्रॉन, 2p में, फिर 3s में, और फिर 3p में। क्लियर हुई बात, ये ग्राउंड स्टेट ही है, किसकी ग्राउंड स्टेट है, ये सिलिकन की, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल पर नहीं है, 2s 1s वाले इलेक्ट्रॉन अपनी जगह है, कोई इन्हें प्रॉब्लम नहीं, ना इधर है ना उधर है, वापस लौट के आने की इन्हें कोई चिंता नहीं। 3p में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी नीचे नहीं आने वाले कहीं, क्यों, नीचे के पहले ऑलरेडी फिल्ड है, तभी तो ये 3p में आए, करेक्ट। ये ग्राउंड स्टेट लेवल है सिलिकन एटम की, ग्राउंड स्टेट लेवल सिलिकन एटम की, समझ रहे बात, समझ रहे हो, दिखाई दे रहा है किसी को आंखें बंद करके सिलिकॉन एटम, और उसके अंदर के सिलिकॉन एटम और उसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन और उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी दिखाई दे रही है किसी को? दिख रही है लाइट, लेट लेट सपोज एज्यूम इमेजिन, ये एक सिलिकॉन एटम की एनर्जी लेवल है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जो भी हम एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करते हैं किसी भी एटम के लिए, किसी भी एटम के लिए जो एनर्जी लेवल्स ड्रॉ किए जाते हैं, ये किए जाते हैं आइसोलेटेड एटम के लिए, किसके लिए किए जाते हैं, आइसोलेटेड एटम्स के लिए किए जाते हैं। आइसोलेटेड एटम का मीनिंग, एक ऐसा एटम जो ना किसी दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस में है और ना खुद किसी दूसरे एटम को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आइसोलेटेड। जो हमने हाइड्रोजन लेवल, हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल बनाए थे, वो भी सारे एनर्जी लेवल आइसोलेटेड एटम के हैं, आइसोलेटेड स्टेट में। जब हाइड्रोजन के एक एटम को, जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके लिए एनर्जी लेवल्स बना रहे हैं, उसे बाकी दुनिया के, यूनिवर्स के किसी तरह के किसी एटम से कोई मतलब नहीं है, ना खुद किसी के इन्फ्लुएंस में है, ना दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा। जबकि रियल एटम में ऐसा नहीं होता, हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइंड रहते हैं मॉलिक्यूल बनाने में, तो फिर अगर अगर हमें रियल उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर चाहिए ऑर्बिटल, तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन में है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं,
जितने भी एटम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सब आइसोलेटेड एटम के लिए होते हैं। आइसोलेटेड का मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं, किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता। अब जितने भी एनर्जी लेवल्स हम ड्रॉ करते हैं किसी भी एटम के लिए, ये जो आपने केमिस्ट्री में एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़े हैं, एनर्जी लेवल्स पढ़े, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी है, याद कीजिए आयनाइजेशन एनर्जी के जब आपने डेफिनेशन पढ़ी वहां आइसोलेटेड वर्ड यूज किया है। केमिस्ट्री में जब आप आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड, वहां वर्ड हम यूज करते हैं आइसोलेटेड एटम। अगर एटम जैसे हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कब? जब आप हाइड्रोजन के एक एटम को बाहर निकाल लें गैस में से। अगर गैस के अंदर ही हाइड्रोजन एटम को आपने आयनाइज कराना है तो फिर -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इस एटम पर कुछ और दूसरे एटम्स का भी इफेक्ट पड़ रहा होगा। ठीक है, समझ रहे बात? इसी तरह ये जो हमने सिलिकन के बनाए हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, सिलिकन के ये एनर्जी लेवल डायग्राम किसके लिए है? आइसोलेटेड एटम्स के लिए है। किसके लिए? आइसोलेटेड एटम के लिए। जब सिलिकन का, जिस सिलिकन एटम के लिए आपने ये सारे बनाए हैं, ये सिलिकन एटम किसी भी दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस में नहीं है और ना खुद किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा, करेक्ट? लेकिन हम जब एक रियल मटेरियल की बात करते हैं, ये रबर का एक पीस है, इसमें करोड़ों अरबों खरबों एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, क्या वो आइसोलेटेड है? नहीं, वो सब एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में है, तभी तो ये यहां बंधी हुई है। अगर एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में ना हो तो सारे बिखर जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, कोई रोकने वाला इन्हें रहेगा ही नहीं। एक्चुअल क्रिस्टल जब हमारे हाथ में होता है, कोई भी सिलिकन का एक्चुअल क्रिस्टल जब हमारे हाथ में है, तब सिलिकन के सारे एटम्स आइसोलेटेड स्टेट में नहीं है। कोई भी एटम वहां आइसोलेटेड स्टेट में नहीं है, सब एटम किन्हीं और आस पड़ोस के एटम्स के इन्फ्लुएंस में है और खुद भी उन्हें आस पड़ोस वाले एटम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इस इन्फ्लुएंस से इफेक्ट क्या होता है? इस इन्फ्लुएंस से एटम की एनर्जी चेंज हो जाती है। इस इन्फ्लुएंस से एटम्स की एनर्जी चेंज हो जाती है। क्या इफेक्ट पड़ता है? बहुत डिटेल आपको नहीं बताना, और जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बोर्ड लेवल, बोर्ड में कहीं दूर दूर तक पूछा नहीं जाता कभी भी, न किसी किताब में है लिखा हुआ है। 50 किताबें भी देखोगे कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैंने कहां से ले लिया? भगवान की कृपा है, मेरे पास आकाशवाणी आती है। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना इसे, बहुत ध्यान से समझना कि एक आइसोलेटेड एटम में और एक क्रिस्टल के अंदर एटम में, एटम जब क्रिस्टल के अंदर है तो क्या डिफरेंस आ जाता है उसके अंदर। बहुत सारे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं एक के बाद एक, ठीक है? सबसे पहले डायग्राम वही आइसोलेटेड एटम का। आइसोलेटेड एटम, चलो हम पहले यहां एटम भी बनाते रहते हैं। ये सिलिकन का एक एटम और ये सिलिकन का दूसरा एटम, दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है? नॉन इंटरैक्टिंग डिस्टेंस पर है। ये नॉन इंटरैक्टिंग डिस्टेंस पर है दोनों के दोनों एटम, एक दूसरे से, एक दूसरे को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, करेक्ट? इनमें से हम दोनों ही एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों ही एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम कर रहे हैं। पहले एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम ये 1s2, उसके ऊपर 2s2, और फिर ये 2p6, और यहां 3s2, और फिर इसके ऊपर 3p2। ये एक एटम का, एक सिलिकन एटम, इस वाले सिलिकन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम हुआ। दूसरे वाले सिलिकन एटम का भी एनर्जी लेवल डायग्राम हमें इसी ग्राफ पर ड्रॉ करना, इसी एक्सिस पर ड्रॉ करना। जो एनर्जी लेवल पहले एटम के हैं वही एनर्जी लेवल दूसरे एटम के होंगे ना। अगर मैं दूसरे एटम के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करूं इसी एक्सिस पर, यहीं पर,
तो दूसरे वाले एटम के लिए 1s लेवल यही आएगा, दूसरे वाले एटम के लिए 2s लेवल, दूसरे वाले एटम के लिए 2p लेवल, दूसरे वाले एटम के लिए 3s लेवल और दूसरे वाले एटम के लिए 3p लेवल। कंफ्यूज्ड? जो एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है पहले एटम के, ये एनर्जी लेवल है दूसरे एटम के, दोनों को एक ही डायग्राम में ड्रॉ करना, सेम स्केल पर ड्रॉ करना, सारी लाइन ओवरलैप कर जाएंगी एक दूसरे को, पहले वाले एटम की 1s लाइन दूसरे वाले एटम की 1s लाइन ओवरलैप कर जाएंगी, पहले वाले एटम की 2s लाइन दूसरे वाले एटम की 2s लाइन ओवरलैप कर जाएंगी। है? अगर आपने 10-20 हजार एटम्स के लिए भी ये डायग्राम ड्रॉ किया जिनमें से हर एक एटम आइसोलेटेड स्टेट में है, तो फिर आपको एक ही लाइन दिखाई देगी। है ये 1000 लाइन, अगर आप 1000 एटम के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो 1000 लाइन है, लेकिन सारी एक दूसरे के ऊपर आ गई, एक ही लाइन रहेगी, एक ही लाइन दिखाई देगी। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? अब ये वाले एटम जो नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर थे, सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, सिलिकॉन 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 बहुत सारे एटम्स के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, सबके लिए यही ग्राफ आएगा। अब ये एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे के पास आए और अब इनमें इंटरेक्शन होने लगा, ये सिलिकॉन एटम सिलिकॉन एटम सिलिकॉन एटम एक दूसरे के पास आने लगे, इनमें हल्का सा इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन कैसे होता है इनमें, देखो इंटरेक्शन कैसे होता है, ये एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरे एटम का एक न्यूक्लियस, ये पहले एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो बोलते हैं अब, इलेक्ट्रॉन की पास बात तो रहा ही नहीं, अब तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया सारा। क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ गए, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ गए, एक दूसरे के ऊपर कुछ इफेक्ट देने लगे, कुछ इफेक्ट शो करने लगे, और उस इफेक्ट का नतीजा क्या होता है, उसका नतीजा ये होता है कि पहले एटम का 1s लेवल दूसरे एटम का 1s लेवल वहीं के वहीं, कोई चेंज नहीं आया इनकी एनर्जी में, दूसरे पहले एटम का 2s लेवल और दूसरे एटम का 2s लेवल सबका सब वहीं का वहीं, पहले एटम का 2p लेवल और दूसरे एटम का भी 2p लेवल और तीसरे एटम का भी 2p लेवल, सबके यही कह रहे हैं, लेकिन जो लास्ट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, इन पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है। क्या इफेक्ट पड़ गया कि 3p और 3s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो गई। अगर 1000 एटम की बात कर रहे हो तो इनमें से कुछ की एनर्जी कम हो गई, किससे कम हो गई, उस स्टेट से कम हो गई जब ये आइसोलेटेड में थे, कुछ की एनर्जी बढ़ गई, किससे बढ़ गई, उस स्टेट से बढ़ गई जिस जो इनका एनर्जी लेवल था आइसोलेटेड स्टेट में। ठीक है, तो अब जब आप पहले एटम का बनाएंगे 3s लेवल तो ये बना, लेकिन जब दूसरे एटम का 3s लेवल बनाएंगे तो क्या होगा, एक थोड़ी सी डिफरेंट लाइन आपको मिल जाने वाली है। जब पहले एटम का आप बनाएंगे 3p लेवल, दूसरे एटम का 3p लेवल बनाएंगे तो थोड़ा सा एनर्जी में डिफरेंस आ गया और आपको सेम स्केल पर एनर्जी के लिए एक अलग एक नई लाइन मिल जाएगी। अब आपने ये 1 करोड़ एटम के लिए बनाया तो ठीक है, ज्यादातर तो यही पड़ेंगे, इक्का दुक्का की एनर्जी जरा मुरासी से चेंज हो गई, कब, जब ये अभी काफी दूर है लेकिन अब इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया इन्होंने एक दूसरे को। आपने 1000 एटम के लिए बनाया
तो पता चला 500 एटम की तो यहीं पड़ रही है, 500 में से कुछ की थोड़ी सी जरा सी नीचे हो गई, 300 की 200 की जरा सी ऊपर चेंज हो गई, हल्का हल्का सा चेंज आ गया सब में। अब क्या हुआ कि ये एटम और पास आने लगे, इनके बीच का गैप और कम हो गया, अभी ये एटम और पास आ गए, इंटरेक्शन इनके बीच और ज्यादा हो गया, इंटरेक्शन इनके बीच और बढ़ गया। इंटरेक्शन बढ़ने का मतलब ये देखो, ये एक डायग्राम है, दूसरा डायग्राम ये है, तीसरा डायग्राम। इंटरेक्शन बढ़ने का मीनिंग पता ये लगा कि जो 1s ऑर्बिटल है उस पर तो अब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आपने केमिस्ट्री में एक शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा है, शील्डिंग इफेक्ट है ना, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले को शील्ड कर लेते हैं। तो मुझे कंफ्यूज कर रहा है, सुबह सुबह अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वालों को शील्ड कर देते हैं, या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर वालों को शील्ड कर लेते हैं, अंदर वालों को शील्ड कर लेते हैं। शील्ड आप समझते हो, शील्ड क्या होता है? कवच, दुश्मनों के वार से बचने के लिए। तो भैया वो तो सारे कपड़ों के बाहर लगाया जाएगा, शील्ड तभी तो हो पाएगा। भाई हाथ के ऊपर ही तो शील्ड पहना जाएगा, तभी तो हाथ बचेगा। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर वालों को शील्ड कर लेते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। उस शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स, इनकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता। मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का लाइन, एक एटम के लिए लाइन फर्स्ट 1s वाले, दूसरे एटम के लिए 1s वाले इलेक्ट्रॉन की लाइन वहीं की वहीं पड़ गई, पहले एटम के लिए 2s वाली लाइन और दूसरे एटम के लिए 2s वाली लाइन बिल्कुल एक जगह कोइंसाइड कर रही, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही। लेकिन इफेक्ट किस पर पड़ता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्ट पड़ता है। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन होगा, जो सबसे किनारे पर है, सबसे लास्ट में बैठा हुआ है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स थोड़े से और ज्यादा बिगड़ गए, थोड़े और ज्यादा चेंज हो गए। ये था आपका 3s, ये है आपका 3p। तो पता चला कुछ एटम्स में 3s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो गई। किससे कम हो गई, उससे कम हो गई जो इनकी आइसोलेटेड स्टेट में थी। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अपने आइसोलेटेड स्टेट वाली एनर्जी से बढ़ गई। इसी तरह का चेंज आ गया किसमें, किसमें चेंज आ गया, 3p ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स में भी चेंज आ गया। अब आपको 3s और 3p के कॉरेस्पॉन्डिंग एक शार्प एनर्जी लेवल नहीं बन रहा, 3s और 3p लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक शार्प एनर्जी लेवल नहीं मिल रहा, बल्कि बहुत सारे एनर्जी लेवल्स का एक झुंड मिल रहा है ना, और इस झुंड को हम बोलेंगे बैंड। क्या बन गया, अब ये एक बैंड बन गया है, करेक्ट। अभी भी ये एटम एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, अभी क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हुए। देखिए जब एटम सारे आइसोलेटेड स्टेट में है, आइसोलेटेड स्टेट का मतलब सब बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग, कौन सी स्टेट होगी, वो गैसियस स्टेट, वेपर से भी ऊपर गैसियस स्टेट, समझ रहे हो। केवल गैसियस स्टेट में ही एटम्स एक दूसरे से आइसोलेट हो सकते हैं, बंधे हुए क्रिस्टल में या लिक्विड स्टेट में तो सब एक दूसरे के प्रभाव में है, सब एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में है। तो एक्चुअली हम एटम्स की स्टडी कर रहे हैं उनके गैसियस स्टेट से क्रिस्टल स्टेट तक आने में। जब एक एक एटम अलग अलग है तो सारे एटम किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, आइडियल गैस स्टेट में, और धीरे धीरे वो पास आने लगे, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने लगे। गैस से पहले वेपर्स बनेंगे, वेपर्स से फिर लिक्विड बनेगा, लिक्विड से फिर
सॉलिड आ जाएगा। तो हम सॉलिड स्ट्रक्चर तक की लेवल स्टडी कर रहे हैं कि गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट तक आने में ये एक दूसरे को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, उस इन्फ्लुएंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। समझ आ रही थी बात? आइसोलेटेड स्टेट में थे, 10, 20, 50 हजार लाख करोड़ एटम्स के लिए आपने एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ किया, सबके एनर्जी लेवल एक दूसरे के ओवरलैप कर गए, आपके पास हर एनर्जी लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन है। एटम्स पास पास आए, पास आने लगे, तो अंदर वाले इनर ऑर्बिटल्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बाहर वाले ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में थोड़ा थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो गया। एटम्स और पास आए, और पास आए तो क्या हुआ, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड रहते हैं, शील्डिंग हो रहा है, बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में और ज्यादा डिफरेंस आना शुरू हो गया। एटम्स और पास आए, अभी भी ये लिक्विड, अभी भी ये गैसीय स्टेट में, एटम्स और पास आए, एटम्स के बीच का डिस्टेंस और कम हुआ। अब क्या हुआ, 1s एनर्जी लेवल ज्यों का त्यों, 2s एनर्जी लेवल ज्यों का त्यों, सारे के सारे एटम्स का, 2p एनर्जी लेवल एज इट इज, लेकिन 3s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत 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 ज्यादा चेंज हो गई। पता ये लगा कि कुछ 3s ऑर्बिटल के कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो इतनी बढ़ गई जितनी की 3p वाले इलेक्ट्रॉन की हुआ करती थी आइसोलेटेड स्टेट में, और 3p के कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी तो इतनी घट गई जितनी हुआ करती थी 3s ऑर्बिटल वाले, 3s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कब, आइसोलेटेड स्टेट में। तो अब ये 3p और 3s ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल गए, अब ये पता ही नहीं चल रहा कि ये वाली लाइन 3s ऑर्बिटल की है या 3p ऑर्बिटल की, पता ही नहीं चल रहा ये 3s ऑर्बिटल की लाइन है 3p ऑर्बिटल की लाइन है। बात समझ आई थी, बात यहां से समझ आ रही है। अब हम इसको कह ही नहीं सकते कि कौन सी लाइन कहां 3s ऑर्बिटल की है और कौन 3p ऑर्बिटल की। हाँ, इतनी बात तो है कि सारे के सारे ये थर्ड शेल के ऑर्बिटल्स हैं, थर्ड शेल के ऑर्बिटल है, लेकिन कौन सा पी है कौन सा एस है इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं हो रहा। हो सकता है ये वाली जो लाइन है ये किसी एटम के 3s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो सकता है ये वाली लाइन किसी एटम के 3p वाले ऑर्बिटल की एनर्जी हो। ध्यान से देखिए ये जो हमने ढेर सारी लाइन बनाई है ये किसी एक एटम के लिए नहीं है। हिमांशु बहुत देर हो रही है, बताओ, देखना 9:07 हो रहे हैं, 8 बजे का स्कूल है आपका, बैठिए। ये सारी सुविधाएं, ये सारी प्रिविलेज यहां परिषदगढ़ में मिली हुई है किले में, मेरठ के तो स्कूलों में गेट ही बंद हो जाता है, 7:30 का स्कूल है, 7:30 पर गेट बंद हो जाएगा, बाहर खड़े रहो। ध्यान से समझिए फिर से, ये यहां 1s वाली एक लाइन नहीं है, एक लाइन नहीं है, ये बहुत सारी लाइंस हैं जो एक दूसरे के ओवरलैप है, ये बहुत सारी लाइंस हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, ये बहुत सारी लाइंस हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, लेकिन ये ओवरलैप नहीं हो रही। हाँ, इनमें से भी कुछ ओवरलैप होंगी एक दूसरे के ऊपर, कुछ अलग अलग भी होंगी। जैसे ये लाइन, एक लाइन हमने ये ड्रॉ करी है, तो ये केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए या एक एटम के लिए नहीं है, हो सकता है पूरे क्रिस्टल में से 10-20 हजार एटम्स की एनर्जी इसी लेवल पर हो। ये डायग्राम हम एक एटम के लिए ड्रॉ नहीं कर रहे, ये डायग्राम हम एक एटम के लिए ड्रॉ नहीं कर रहे, ये डायग्राम बहुत सारे एटम्स के लिए है, उन बहुत सारे एटम्स में से 1s, 2s और 2p वाले एनर्जी लेवल की सारी लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही, तो इसलिए एक लग रही है। ये डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं फॉर n एटम्स,
कितने एटम्स के लिए कर रहे हैं, n एटम्स। ये n लाइंस हैं एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए, ये n लाइंस हैं एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए, ये n लाइंस हैं एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए, ये n लाइंस हैं एक दूसरे से अलग अलग, कुछ ओवरलैप भी होंगी इसके अंदर। ये डायग्राम एक अकेले एटम का डायग्राम नहीं है, ये एटम बहुत सारे एटम्स के एनर्जी लेवल एक साथ हमने एक ही ग्राफ पर ड्रॉ कर दिए, तो किसी की एनर्जी कम आ रही थी, किसी की एनर्जी ज्यादा आ रही थी, हमने ऊपर नीचे लाइन ड्रॉ करनी पड़ी। क्या बन गया, ये थर्ड शेल में बैंड बन गया है। कुछ नहीं पता लग रहा कि कहां कौन सा लेवल 3s वाला है और कौन सा लेवल 3p वाला, करेक्ट? समझ रहे यहां तक की बात है? अब अगली बात आते हैं, 3s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। 3p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो कुल मिलाकर थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। कुल मिलाकर थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट? थोड़ी सी कुछ और देखते हैं बात। हमने ये ड्रॉ किया 3s ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने ड्रॉ किया क्या, 3p ऑर्बिटल। 3 और p ऑर्बिटल में ये px है, ये py है, ये pz। शिव जी के तीन डमरू तीनों एक्सिस पर रखे हुए दिखाई देते हैं, नहीं? px में एक इलेक्ट्रॉन, py में एक इलेक्ट्रॉन, pz में कोई भी नहीं है ना। px में भी अभी एक गुंजाइश है एक इलेक्ट्रॉन आने की, py में भी एक इलेक्ट्रॉन आने की गुंजाइश है। थर्ड शेल में कुल मिलाकर कितनी वैकेंसीज है, 2 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है 3s ऑर्बिटल में, 6 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है 3p ऑर्बिटल्स में। 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है और 3p ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, कुल मिलाकर कितनी वैकेंसीज हो गई, कितनी जगह, कितनी सीट खाली है यहां, 8। 8 सीट अवेलेबल है, उन 8 सीट में से 4 सीट पर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, तो खाली कितनी है, 4। 4 में से अगर आइसोलेटेड है ये एटम, 4 में से अगर इलेक्ट्रॉन ये एटम आइसोलेटेड है, तो चारों सीट कहां खाली है, पी ऑर्बिटल की खाली है, एस ऑर्बिटल की कोई भी सीट खाली नहीं है, समझ रहे हो? एक एटम के लिए, वापस यहां जाओ, ये एन एटम्स के लिए, एन एटम्स के लिए हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। अब जो थर्ड शेल के ऑर्बिटल है, ये तो पता ही नहीं रहा कौन इसमें पी है कौन एस है, कौन पी है कौन एस है पता ही नहीं रहा इसमें। तो अब पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल का तो वजूद खत्म हो गया, उनका तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, आपस में एक दूसरे में इतने मिल गए कि पता ही नहीं चल रहा कौन एस ऑर्बिटल है कौन पी ऑर्बिटल है। अब यहां ये कहा जाएगा कि टोटल वैकेंसीज इन थर्ड शेल कितनी है, 8n। कंफ्यूज? एक एटम में टोटल कितनी वैकेंसीज थी थर्ड शेल में, 2 s ऑर्बिटल की और 6 p ऑर्बिटल की, 8। और जब आपने n एटम्स के लिए बनाया हुआ है तो टोटल थर्ड शेल में कितनी वैकेंसीज है, 8n। एक एटम में 8 वैकेंसीज, तो n एटम्स में कितने वैकेंसीज, 8n वैकेंसीज। समझ आई इतनी बात? एक एटम में 8 वैकेंसीज है, आउट ऑफ 8 वैकेंसीज कितनी फील्ड है, 4। कितनी खाली है, कुल मिलाकर 8n वैकेंसीज है। इन सारी वैकेंसीज में कंप्लीटली फिल्ड वैकेंसीज कितनी है, 4n। और कितनी अभी एम्प्टी है, एम्प्टी यानी के अभी वैकेंट है, कितनी वैकेंट है, कितनी खाली है, 4n। समझ रहे बात? यानी इनमें से कुछ एनर्जी लेवल्स खाली पड़े हुए होंगे, कुछ एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ एनर्जी लेवल बिल्कुल एग्जैक्टली आधे
एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन है और आधे एनर्जी लेवल बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। समझ आई बात? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो आप इसे नजरअंदाज भी कर सकते हैं। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसलिए मैं इसको कुछ ज्यादा मजे ले लेकर पढ़ाता हूँ, ज्यादा आनंद आता है इसे पढ़ाने में। ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ये मेरे दो फेवरेट टॉपिक रहे हमेशा। हाँ जी, थर्ड सेल में यहां 8n वैकेंसीज अवेलेबल है एंड आउट ऑफ एन 8n वैकेंसीज 4n आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ यानी 4n आर वैकेंट, अभी खाली पड़ी हुई है। लेकिन अब तक क्या हुआ है? अब तक हुआ यह है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां यहां यहां, पता लगा ये बीच में खाली जगह है, पता लगा ये बीच में एक वैकेंसी खाली है, कोई वैकेंसी यहां खाली है, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर है, ऑर्गेनाइज नहीं है अभी। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो बिल्कुल हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बिल्कुल लोएस्ट एनर्जी लेवल पर है, कुछ एटम के इलेक्ट्रॉन्स हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर, कुछ एटम के इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल पर, बीच बीच में खाली खाली जगह पड़ी हुई है, खाली जगह पड़ी हुई है बीच बीच में। कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम कब मोस्ट स्टेबल होता है? जब वो अपने लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल पर हो। कोई भी थर्मोडायनेमिक, पूरे यूनिवर्स में जितने भी सिस्टम्स चल रहे हैं, हम आप हम सब एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। हम मोस्ट स्टेबल मोस्ट रिलैक्स कब है? जब बिस्तर में लेटे हुए लोएस्ट एनर्जी लेवल पर है अपने, मोस्ट कन्वीनियंट मोस्ट स्टेबल। खड़े हुए को कोई पीछे से आगे धक्का मारे गिर जाएगा, लेटे हुए को कोई गिरा सकता है इतनी आसानी? वो तो पहले लेट हुए। तो अभी ये क्रिस्टल स्टेबल नहीं है, अभी इस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, और अभी स्टेबल क्रिस्टल ये नहीं बना। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिक्रीज होने की गुंजाइश है। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले एनर्जी लेवल में आकर भरने शुरू हो जाते हैं। समझे? इसमें से एक लाइन पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि 3s ऑर्बिटल में दो लाइन, दोनों आगे पीछे हो गई, ऊपर नीचे हो गई दोनों लाइन। 3p ऑर्बिटल में सिक्स लाइन, सिक्स एनर्जी लेवल, वो सिक्स के सिक्स एनर्जी लेवल ऊपर नीचे चले गए। तो हर एक लाइन में एक इलेक्ट्रॉन है, हर एक एनर्जी लेवल पर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब हुआ क्या कि जब ये एटम्स और ज्यादा पास आने लगे, ये वाले सिलिकन के एटम्स हैं, ये और ज्यादा पास आने लगे, और ज्यादा पास आ गए, अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हायर एनर्जी लेवल पर थे वो कूद कूद के नीचे आने लगे, क्योंकि नीचे जगह खाली पड़ी हुई है, जगह खाली पड़ी हुई नीचे। क्या हुआ? अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? ये 1s2 लेवल, ये 2s2 लेवल, ये 2p6 लेवल, इन पर अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इन पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला अभी। और फिर ये पूरा का पूरा बैंड, ये थर्ड शेल का बैंड हो गया। ये आपके एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल को छोड़कर नीचे वाले एनर्जी लेवल्स में ऑक्यूपाई होने लगे, ऊपर वाले खाली होते चले गए और नीचे वाले जो खाली पड़े हुए थे वो भरने लगे, ठीक है। हालांकि अभी भी सब मिला हुआ है, 3s और 3p आपस में मिले हुए हैं, लेकिन अब होने ये लगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो कहीं ऊंचे एनर्जी लेवल पर थे उन्हें नीचे एनर्जी लेवल पर जगह खाली दिखाई दे रही थी, वहां से नीचे उतरने लगे,
और नीचे के एनर्जी लेवल भर गए और ऊपर के एनर्जी लेवल खाली हुए। करेक्ट, क्लियर हुई बात। एक यहां पर चेंज और हुआ, क्या चेंज हुआ कि जब ये एटम्स ने मिल करके बनाया एक स्टेबल क्रिस्टल, अब ये क्रिस्टल की फॉर्म में आ गए, सारे एटम एक दूसरे के साथ जम गए, अपनी अपनी जगह पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनने तक क्या हुआ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनने तक क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 एज इट इज, और ये जो थर्ड शेल था, ये जो थर्ड शेल था, इस थर्ड शेल में जो भरे हुए एनर्जी लेवल्स थे और जो खाली एनर्जी लेवल्स हैं, इनके बीच में एक गैप आ गया। इनके बीच में क्या आने लगा, एक गैप आ गया। ये वाले आपके हो गए, ये वाले हो गए 4n एनर्जी लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड, और फिर इसके ऊपर कौन से एनर्जी लेवल्स, ये आपके ये भी 4n एनर्जी लेवल है, लेकिन ये कैसे पड़े हुए हैं, अब खाली पड़े हुए। करेक्ट, इन सारे एनर्जी लेवल में डिफरेंशिएशन होना शुरू हो गया। क्यों होता है वो बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। जिनमें भरे हुए थे इलेक्ट्रॉन, जो सारे इलेक्ट्रॉन जहां लोअर एनर्जी लेवल पर आ गए थे, वो सब अलग हो गए, और जो खाली वाले एनर्जी लेवल थे वो अलग चले गए। अब भी मिलाकर टोटल 8n एनर्जी लेवल्स है, लेकिन अब अंतर क्या पड़ा कि नीचे के 4 एनर्जी लेवल्स पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं और ऊपर वाले 4n एनर्जी लेवल पूरी तरह से खाली है। कहां, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। अगर बशर्ते इस क्रिस्टल का टेम्परेचर, ये जो क्रिस्टल बन गया सिलिकन का, इसका टेम्परेचर कितना है, जीरो केल्विन, जीरो केल्विन हो तब ये स्ट्रक्चर बनेगा। करेक्ट, स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया, क्रिस्टल स्टेबल हो गया बिल्कुल। अब इनमें से जो 4n एनर्जी लेवल्स हैं पूरी तरह से भरे हुए, पूरी तरह से भरे हुए 4n एनर्जी लेवल्स हैं, इनका हमने एक नाम रख दिया, इसका एक नाम रख दिया, यहां से यहां तक एक था ये, इसका नाम रख दिया हमने क्या, वैलेंसी बैंड। जैसे वैलेंसी शेल बोलते थे ना, शेल तो एक एनर्जी लेवल होता था या बहुत सारे एनर्जी लेवल से, क्या बोला इसे, वैलेंसी बैंड। और इसके ऊपर जो खाली पड़ा हुआ है एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पर, अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर हुआ 10 डिग्री 50 केल्विन 100 केल्विन, तो फिर यहां भी इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कहां से आ जाएंगे, नीचे वाले से कूद के ऊपर चले जाएंगे, जिनमें थोड़ी बहुत एनर्जी जिन्हें मिल जाए। इस जो खाली है जीरो केल्विन पर जो बैंड पूरी तरह से खाली है, इसे हमने बैंड का नाम दिया कंडक्शन बैंड। क्या नाम दिया इसका, कंडक्शन बैंड। और इनके बीच जो एनर्जी गैप हो गया, जहां कोई इलेक्ट्रॉन रुक ही नहीं सकता, या तो यहां बैठो या फिर अगर है हिम्मत तो कंडक्शन बैंड में, इनके बीच में कोई जगह नहीं, कोई रुकना नहीं है, इसको हम बोलते हैं, इसका नाम हमने दिया, अभी बाद में लिखेंगे ग्राफ में, फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप का मतलब यहां आना मना है, निषेध, प्रवेश निषेध, फॉरबिडन गैप बोलते हैं। किन फॉरबिडन गैप, कौन सा गैप है, कंडक्ट वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप, जहां कोई भी इलेक्ट्रॉन रुक नहीं सकता। क्लियर हुई इतनी बात। ये स्ट्रक्चर है किसका, सिलिकन के क्रिस्टल में एटम्स का एनर्जी लेवल। कुल मिलाकर के थर्ड शेल में अब भी कितने वैकेंसीज हैं, 8n वैकेंसीज हैं। उनमें से 4n वैकेंसीज जो कंप्लीटली फिल्ड हैं वो अलग हो गए, जो 4n कंप्लीटली खाली है, एम्प्टी है, वैकेंट है, वो अलग हो गए वैकेंसीज, बीच में इनके एक गैप बन गया। करेक्ट, कितने डायग्राम बना लिए, देखो भाई कितने डायग्राम बना लिए, एक ये बनाया आइसोलेटेड, 2 3 4 5 6, करेक्ट। अब इन 6 डायग्राम को एक ही ग्राफ पर ड्रॉ करना है, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
इन छह के छह डायग्राम्स को एक ही ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हो, और वो ग्राफ एग्जाम में बनाने के लिए भी आता है, बना हुआ भी आता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना कि छह के छह कैसे बनेंगे एक ही ग्राफ में, और जो ग्राफ फाइनल आपका बनने वाला है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, वहां इस जैसा कुछ भी नहीं दिखाई देने वाला आपको। एक बार फिर से सरासर इन्हें डिस्कस करते हैं। पहला वाला ग्राफ हमने कब बनाया है, जबकि सारे एटम्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर है। दूसरा ग्राफ कब बनाया है, जब एटम्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने लगे, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ गए। तीसरा ग्राफ कब बनाया है, जब ये डिस्टेंस और कम हुआ एटम्स के बीच में, एटम्स के बीच का इन्फ्लुएंस और स्ट्रांग हुआ। एटम्स के बीच का डिस्टेंस और कम हुआ, इन्फ्लुएंस और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, चौथा ग्राफ आ गया। पांचवा ग्राफ आ गया, जब बस एटम, ये एटम्स स्टेबिलिटी गेन करने ही वाले हैं, बस क्रिस्टल बनने ही वाला है। और छठा ग्राफ आ गया तब, जबकि सारे एटम्स ने मिलकर के एक मजबूत स्टेबल क्रिस्टल बना लिया है, तब ये ग्राफ आपका बना। ठीक है, यहां से फर्स्ट डायग्राम से लेकर के ये इस डायग्राम तक एटम्स के बीच का क्या हो रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। और उस डिस्टेंस के साथ ये ग्राफ आपके बने हुए, जैसे जैसे एटम्स के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, एटम्स के बीच में ये डिस्टेंस आपका डिक्रीज हो रहा है, और उस डिक्रीज के साथ साथ आपका ग्राफ बदलता चला जा रहा है। ठीक है, सारे ग्राफ एक ही डायग्राम में ड्रॉ करने हैं। अब हमने, बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे ये ग्राफ बनने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ। एक्स एक्सिस पर आपने लिया क्या, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स लिया आपने कहा, एक्स एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पर आप, वाई एक्सिस पर आपने क्या लिया है, एनर्जी लेवल्स, करेक्ट। ग्राफ हम यहां से बनाना शुरू करेंगे, ग्राफ यहां से बनाना शुरू करेंगे, जब एटम्स बहुत ज्यादा, एटम्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, करेक्ट। तो क्या ग्राफ बनेगा, देखिए ये कौन सा लेवल, 1s2 लेवल, ये 2s2 लेवल, ये 2p6 लेवल, है ना, इसके ऊपर 3s लेवल, 3s2, और फिर ये कौन सा लेवल, 3p2। कौन सा ग्राफ बनाया हमने, ये वाला, जब एटम्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है आइसोलेटेड स्टेट में। अब ये वाला ग्राफ बनाएंगे, इसी ग्राफ, इसी पर ये ग्राफ बनाएंगे आप। ध्यान से देखना, एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम हुआ, एक काम करता हूं मैं, इसे तो मैं पूरा यहां तक ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि 1s, 2s और 2p लेवल वाले एनर्जी में तो कोई इफेक्ट आता ही नहीं, चेंज होता ही नहीं है, ये सिंगल लाइन है सारी, उससे डबल बन गई है। चेंज कहां ना, 3s और 3p वाले में क्या हुआ, देखना जरा ध्यान से, कि अब 3s एनर्जी लेवल्स के में एक लाइन की बजाय आपको कई सारी लाइंस मिली, एक लाइन के बजाय आपको कई सारी लाइंस मिली। उसके बाद क्या हुआ कि ये 3s एनर्जी लेवल्स बिगड़ गए, बिगड़ते बिगड़ते 3s और 3p आपस में मिक्सअप हो गए, तो आपको कई सारी लाइंस यहां एक साथ मिल रही हैं। अभी मैं हल्की ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि मुझे फाइनली ड्रॉ कुछ और करना है ना, दिखने नहीं है, दिखने नहीं, हल्की फुल्की दिख रही होंगी ना। अब फिर और ज्यादा डिस्टेंस कम हुआ तो क्या हुआ कि ये एनर्जी लेवल्स, कुछ जो कंप्लीटली फिल थे वो अलग चले गए और जो कंप्लीटली एम्प्टी थे वो अलग चले गए, है ना। यहां से आपका 3s लेवल बाइफर्केट होना शुरू हुआ,
और इसी तरह से ये 3p लेवल ये आपका फाइनल डायग्राम बनता है। अभी भी थोड़ा मुझसे गलत हो गया। यहां देखिए एनर्जी लेवल स्प्लिट होने शुरू हो गए। जब एटम्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी तो सारे सब के सब डिस्क्रीट और शार्प एनर्जी लेवल थे। एनर्जी भी एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम हुआ, एनर्जी लेवल फटने शुरू हो गए, स्प्लिट होने शुरू हो गए। हम यहां कहते हैं एनर्जी लेवल स्टार्ट स्प्लिटिंग। और ज्यादा स्प्लिट, और ज्यादा स्प्लिट हुए ये, और स्प्लिट होते होते एक कंडीशन ऐसी आई कि पी ए पी लेवल और एस लेवल के एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गए। देखिए ध्यान से आप, ये 3p है, ये लगातार स्प्लिट होता जा रहा है। देख रहे हो ना कैसे स्प्लिट हो रहा है, ये फैलता चला जा रहा है। ये देखिए 3p लेवल की एक सिंगल लाइन थी, अब ये स्प्लिट होना शुरू हो गया यहां तक। ये 3s की एक सिंगल लाइन थी, स्प्लिट होना शुरू हो गया ये। तो बीच में एक जगह ऐसी आई जहां दोनों आपस में एक दूसरे को मिक्सअप हो गया बिल्कुल, उसके बाद फिर से अलग अलग हो गए, करेक्ट। ये लाइन, ये डिस्टेंस डी डिस्टेंस, और यहां ये डिस्टेंस सी, ये डिस्टेंस आपका लिखेंगे बी बी, और यहां एक डिस्टेंस लिखा जाएगा आपका ए, एटम्स के बीच का डिस्टेंस। ये ए डिस्टेंस वो डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर एक्चुअल में रखे होते हैं एटम्स, कब, जब इन्होंने एक स्टेबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लिया, तब इन एटम्स के बीच का कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए। जैसे पीछे हमने जर्मन डेविसन में पढ़ा था कि निकल के दो एटम्स के दो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना, 0.91 एंगस्ट्रॉम, 0.97, थैंक यू, 0.97, ये है ए डिस्टेंस। कब, वो डिस्टेंस जबकि सारे एटम्स ने मिलकर एक स्टेबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लिया। क्लियर हुई बात, एटम्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर थे, डी डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पर थे, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे थे, हजार लाख करोड़ एटम के कॉरेस्पॉन्डिंग शार्प लाइन दिखाई दी, सबके बिल्कुल डिस्क्रीट अपने अपने एनर्जी लेवल्स हैं। डी डिस्टेंस से ज्यादा नजदीक आए एटम्स, तो अब एस ऑर्बिटल की एनर्जी और पी ऑर्बिटल थर्ड सेल के एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल की एनर्जी में चेंज आना शुरू हो गया। थोड़ा सा पास आए, थोड़ा चेंज आया, थोड़ा और पास आए, काफी जरा चेंज आ गया, थोड़ा और पास आए, जब सी डिस्टेंस हुआ तो सी डिस्टेंस पर आकर पता ये लगा कि 3s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी ज्यादा डिस्टॉर्ट हो गई, इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि दोनों आपस में मिल गए। अभी कह नहीं सकते कि ये वाला 3s ऑर्बिटल का लेवल है या 3p का है। बी डिस्टेंस तक यही कंडीशन बनी रही, उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स ऊपर के एनर्जी लेवल से नीचे के एनर्जी लेवल पर आने शुरू हो गए और दोनों एनर्जी लेवल्स में एक दूसरे के बीच में गैप क्रिएट हो गया। ए डिस्टेंस पर पहुंचते पहुंचते अब सिलिकन्स के सारे एटम ने मिलकर एक क्रिस्टल बना लिया, एक पक्का मजबूत स्टेबल क्रिस्टल बना लिया। ये ए डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है एटम्स के बीच का वो डिस्टेंस जब एटम्स ने मिलकर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लिया है, करेक्ट। और इस कंडीशन में आपके पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर
4n एनर्जी लेवल से कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, 4n एनर्जी लेवल से कंप्लीटली एम्प्टी, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। तो अब यहां क्या हुआ, ये वाला जो एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल को कहा गया क्या, वैलेंस बैंड। अच्छा एल मैंने हटा लिया, एल छोड़ दिया, लगा लोगे आप। और फिर इसके ऊपर का जो एनर्जी लेवल है इसको कहा गया क्या, कंडक्शन बैंड। सही कलर से इसमें दो आपके एनर्जी लेवल्स हो गए, एक वैलेंसी बैंड और एक कंडक्शन बैंड। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ये वैलेंसी बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है और कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ऊपर अगर क्रिस्टल का टेम्परेचर है तो फिर कहीं इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, इक्का दुक्का एटम होता है जिसका एक इलेक्ट्रॉन इस वैलेंसी बैंड में से निकलकर कहां पहुंच जाता है, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। वैलेंसी बैंड में से निकलकर कंडक्शन बैंड में पहुंच गया तो वैलेंसी बैंड में उस जगह एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और उस वैकेंसी का नाम हम देते हैं होल, करेक्ट। और कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन आपका मिल गया, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एटम के साथ बंधा हुआ नहीं है। देखिए वैलेंसी शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी शेल बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन बंध गया। और जब इस आउटर मोस्ट शेल को भी बाहर निकल जाए छोड़ करके आयनाइज स्टेट में आ जाए एटम, तो अब वो कहां पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में आ गया। वैलेंसी बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब अपने अपने एटम्स के साथ बंधे हुए हैं और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एटम के साथ बंधा हुआ नहीं है, वो पूरे क्रिस्टल में घूमने फिरने के लिए फ्री है। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां है, कंडक्शन बैंड में। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है अपने अपने एटम्स के साथ बंधे हुए वो कहां है, वैलेंसी बैंड में, वैलेंसी बैंड में। और बाकी जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो सब है ही अपनी जगह बंधे हुए, फर्स्ट शेल में और सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब अपने अपने एटम्स के साथ बंधे हुए हैं। केवल कंडक्शन बैंड में आने वाला इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के साथ बंधा हुआ नहीं है, वैलेंसी बैंड में आने वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या है, अपने एटम के साथ बंधा हुआ है। लेकिन यहां से तो कोई इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता, लेकिन वैलेंसी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन के पास इतनी गुंजाइश है कि अगर इनमें से किसी इलेक्ट्रॉन को सफिशियंटली लार्ज एनर्जी मिल जाए, कितनी एनर्जी, जिस एनर्जी को लेकर वो इस एनर्जी गैप को, फॉरबिडन गैप को पार कर सके, तो कंडक्शन वैलेंसी बैंड से निकलकर कहां जाते हैं, कंडक्शन बैंड में आते हैं। इसके बीच वाला मैंने नहीं लिखा, ये वाला क्या है, इसे हम बोलते हैं क्या, एनर्जी गैप और फॉरबिडन गैप, जो वैलेंसी शेल, वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। समझ आए इतनी बात, समझ आया सबको, वैलेंसी बैंड कंडक्शन बैंड। बस इस वैलेंसी बैंड कंडक्शन बैंड पर ही क्वेश्चन आया करते हैं, तो हम सीधे सीधे इन्हीं को लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं वैलेंसी बैंड। फोर एन कंप्लीटली फिल्ड, फोर एन कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी लेवल्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ Si और GE, Si सिलिकॉन और GE जर्मेनियम एटम्स
इन क्रिस्टल लैटिस 4n कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी लेवल्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम्स इन क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड वैलेंसी बैंड इट इज कंप्लीटली फिल्ड एट टेम्परेचर It is completely filled at temperature absolute zero. It is completely filled at temperature absolute zero and partially filled at temperature, partially filled at temperature above absolute zero. This band is never empty. Next paragraph se likhte hain. The electrons present in valence band are bound to the atoms. Are bound to atoms in the form of covalent bonds between the atoms. Electron presents in this bond are not free to move. Electrons present in this bond are not free to move through the crystal. Are not free to move through the crystal. Hence, do not contribute towards electrical conductivity of crystal. Do not contribute towards electrical conductivity of crystal. Next hand डालते हैं हम conduction band. Four n completely empty energy levels at absolute zero temperature. At absolute zero temperature. In silicon or germanium atoms in stable crystal lattice is called conduction band. This band is partially filled at temperature above zero Kelvin. Electron present in this band are free to move throughout the crystal. Hence,
कंट्रीब्यूट्स, हैंस कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल, हैंस कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल। नेक्स्ट बैंड लिखते हैं हम, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप और बैंड गैप, एनर्जी गैप और बैंड गैप और फॉरबिडन गैप। इट इज द गैप, इट इज द गैप बिटवीन लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड हाइएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंसी बैंड, एंड हाइएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंसी बैंड। It is the minimum amount of energy, it is the minimum amount of energy required by an electron for its transition from valence band to conduction band. This band is always empty. This band is always empty. No electron can exist in this band. No electron can exist in this band. ठीक है, तीनों बैंड के कंसेप्ट आपको